देख ले, पकड़ ले। यहाँ देखो पिहू, बस हो गया। हो गया बेटा, बस हो गया, बस आराम से पकड़ के चलना। फिर आप हर जगह जीत अंशु क्या खा रहा है? डोसा पढ़ के आता है तुझे? पढ़ना बनता है, पढ़ तो सकता है मिला मिला के, देख के खा सकता हूँ कि ये यहाँ पर मेन्यू कार्ड साइज दिखाते हैं आपको, बीकानेर मुस्कान भंडार। हाँ पी ली, ये बच्चों का आ गया है, ये बच्चों का प्लेट डोसा। इतना बड़ा कुछ जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। पैसे नहीं दिखाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है अभी अंदर। पता होगा उनको कि सबके होते ना वो। इसका मतलब क्या? अच्छे दोस्त है इसलिए वो बता रहे नहीं। और फोड़ दिया क्या? चलो चाबी ऑन में नहीं होगा, बढ़िया अभी चाबी निकाल रहा है, चाबी निकाल रहा है ठीक है, छोड़ के बेटा तुम्हारे लिए तो कर रहे सब, तुम्हें छोड़ के चल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ होंगे। और आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीयू की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो उसके जो है ट्रीटमेंट चल रहा था, तो 10 दिन उसको पूरे हो गए दवाई खाते हुए। तो उसको सुबह शाम की दवाई थी और एक दिन की मेडिसिन थी, तो वो 10 दिन कंटिन्यू खाने के बाद उसका जो कल ब्लड टेस्ट हुआ और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है। एक मिनट,
वो बाहर कोई आ गया था तो बस वही देखने चली गई थी मैं। तो चलो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि इसके ब्लड टेस्ट हो गए हैं और इसकी रिपोर्ट जो है वो कल शाम में आनी थी, पर काफ़ी थोड़ा दूर पड़ रहा था यहाँ से तो हम कल नहीं गए थे। तो बस अभी लेके आए हैं इसकी रिपोर्ट, और रिपोर्ट देखने के बाद सीधा हमने देखा भी नहीं, डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर बताते हो क्या क्या बताया रिपोर्ट में। तो ये उसके हुए थे CBC और TLC वगैरह, और स्क्रब टाइफस जिसको मेन प्रॉब्लम थी स्क्रब टाइफस की वो हुआ। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, उसका ब्लड ग्रुप भी ठीक हो गया है, हीमोग्लोबिन पहले इसका काफ़ी कम आ गया था अब ठीक है, और रेंज में आ गया नॉर्मल, और CBC भी नॉर्मल रेंज में आ गया है, जो उसकी मतलब चीज़ें बड़ी हुई सब नॉर्मल रेंज में आ गई है तो ठीक है। और ये दिखाती हूँ आपको स्क्रब टाइफस का, हाँ इसका CRP बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, CRP भी इसका नॉर्मल रेंज में आ गया अब ठीक है, थोड़ा सा मतलब कम है जितना रेंज में होना चाहिए पर ठीक है फिर भी। और तो ये रहा, ये देखो ये था इसका, या शायद मुझे लग रहा ये रहा स्क्रब टाइफस, और ये नेगेटिव, पहले ये पॉजिटिव था आगे नेगेटिव हो गया। तो बस यही बड़ी टेंशन थी हमें कि ये कैसे ठीक होगा, तो शुक्र है भगवान का, और आप लोगों ने भी काफ़ी सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया कि इसका ख्याल रखिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेष दी इसके लिए, तो उसका आप सबके लिए दिल से धन्यवाद। और अब इसके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई है, बट अब क्या है दवाई वगैरह सब बंद हो गई है, बस अब इसका थोड़ा सा खान पीन पर ध्यान देना है। एक मिनट जरा, हाँ यहाँ बाहर रोड है ना कोई गाड़ी वाले आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सामान वाले आते ही रहते हैं, तो बस इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऑफ किया था। तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई, दवाइयाँ इसकी सारी बंद हो गई, बस अब इसको जो है मल्टीविटामिन चलेंगी, दो मल्टीविटामिन एक और बढ़ाया सर ने, और एक इसका प्रोटीन पाउडर हो गया, उसको दूध मिक्स करके देना है, बस इन तीन ही चीज़ों को देना है, बाकी इसका जो है सब बंद हो गया है। तो चलो अब बस थोड़ा ध्यान रखने का है कि उसको खाने पीने में ध्यान रखना है, बाकी उसकी दवाइयाँ सब बंद है, सब नॉर्मल आ गया है, और बस इसी की टेंशन थी कि क्या आएगा रिपोर्ट में। तो बस डरते डरते टेस्ट करवा लिया और हो गया है, तो चलिए भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक हो गया है, और बस कंटिन्यू उसकी जो है मल्टीविटामिन वगैरह कंटिन्यू करेंगे, बाकी फिर उसका अब एक महीने बाद फिर से उसका रूटीन चेकअप है, थोड़ा उसका वेट का इशू है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है वेट, क्योंकि बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो रूटीन चेकअप होता है एक महीने बाद उसको फिर बुलाया, बाकी अभी बीच में सब ठीक है। तो बच्चे दोनों जा चुके हैं स्कूल, तो चलिए आज के व्लॉग को भी एंड कर लेती हूँ, कल फिर मिलूँगी।